टीवी शो थपकी में जिज्ञासा सिंह ने थपकी का किरदार निभाकर खूब वाहवाही लूटी, खूब लोगों का प्यार पाया और खूब पॉपुलरिटी भी हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, इस किरदार ने उन्हें इंडस्ट्री में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया है। उस सीरियल में जिज्ञासा ने एक हकलाने वाली लड़की का किरदार निभाकर और उसकी कहानी लोगों तक पहुंचाई थी। और इनकी क्या है इनकी असल जिंदगी की कहानी, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, जिज्ञासा का जन्म 27 जून 1994 में देहरादून में हुआ था, लेकिन इनकी ज़िंदगी की शुरुआत राजस्थान के पिंक सिटी से हुई। और इनके परिवार में इनके पेरेंट्स के साथ ही इनका एक छोटा भाई प्रवीण सिंह भी है। और फ्रेंड्स, जिज्ञासा ने मॉडलिंग के साथ ही अपनी स्टडी को भी कभी पीछे नहीं छोड़ा। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एक डिग्री हासिल की, वो भी पत्रकारिता से। या दोस्तों, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जिज्ञासा ने मुंबई का टूर किया क्योंकि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। हालांकि जिज्ञासा एक के राजस्थान से मुंबई जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि दोनों ही शहरों के रहन सहन में ज़मीन और आसमान का फर्क था। जिज्ञासा को शुरुआत में काम मिलने में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन आखिरकार उन्हें काम मिल ही गया। उन्होंने मॉडलिंग के साथ अपने करियर की शुरुआत की। जिज्ञासा ने ना ही कभी एक्टिंग की और ना ही कभी थिएटर में काम किया था, लेकिन साल 2014 में उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी और उसी साल उनको पहला शो छोरा तेरा गांव बड़ा प्यारा करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने आलिया रहेजा का किरदार निभाया था। और इसी साल जिज्ञासा ने एक मशहूर शो गुमराह में भी काम किया और जिज्ञासा की लाइफ चमकी साल 2015 से, क्योंकि इसी साल थपकी प्यार का पहला सीजन चालू हुआ था। और इस सीरियल में जिज्ञासा को पहली बार लीड रोल निभाने का मौका मिला और इस शो में जिज्ञासा को वाणी और वान दो किरदार निभाए थे। और देखते ही देखते ये शो इतना हिट हुआ कि इनकी पहचान टीवी की थपकी बनकर ही हो गई। इस शो के बाद जिज्ञासा को कई अवार्ड भी मिले। इसके बाद जिज्ञासा देवत्री और नजर में भी नजर आई, लेकिन इन दो शोज में सिर्फ इनका रोल सपोर्टिंग रोल ही रहा और कुछ खास पॉपुलर भी नहीं हुई। लेकिन फिर साल 2020 में जब शक्ति शो में जिज्ञासा की एंट्री हुई तो थिएटर में बवाल मच गया क्योंकि यह शो इतना पॉपुलर यानी इतना सुपरहिट रहा और जिज्ञासा ने इस शो में हीर का किरदार निभाया और टीवी की थपकी में भी हीर के किरदार को ऐसे निभाया कि वो लोगों की पसंदीदा स्टार बन गई। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके बॉयफ्रेंड की। तो खबरों के मुताबिक पता चलता है कि जिज्ञासा अंकित भाटिया को डेट कर चुकी हैं। हालांकि इन लोगों ने कभी भी अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया और दोनों यही कहते रहे कि ये दोनों एक दूसरे के एक बेस्ट फ्रेंड हैं और कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जिज्ञासा के कई एल्बम सॉन्ग भी सुपरहिट रहे हैं, जिनमें से एक दो तीन और एक थी पलक में, जिसमें कई वीडियो शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।